क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तुम आज ऑफिस आए हो, तुम्हें याद आ गया कि तुम यहाँ काम करते हो या फिर गलती से आ गए हो? क्या कर रहे हो यहाँ? काशवी मैम, मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ। याद है तुम्हें कि तुम यहाँ काम करते हो? मुझे लगा शायद तुम भूल गए हो, इसलिए तो आधे से ज्यादा दिन गायब रहते हो, आते ही नहीं हो। अपने मिशन में बहुत बिजी हो ना, राइट? वही मिशन है जिसके बारे में मुझे या तुम्हारे सीनियर आदि को कुछ पता ही नहीं है। वैसे कैसे चल रहा है तुम्हारा मिशन? एकदम परफेक्ट चल रहा है। गुड फॉर यू। वैसे आपके हस्बैंड का कुछ पता चला? व्हाट डू यू मीन अर्जुन? तुम्हें कैसे पता कि आदि यहाँ नहीं है? अब आप और आदित्य अब शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ है, तो ऑफिस तो साथ में आना चाहिए। आपके साथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और नीचे कार पार्किंग में उनकी कार भी नहीं दिखाई दी। कहाँ है आपके सुपर बिजी हस्बैंड? कुछ अता पता ही नहीं है उनका। सुपर पोस्ट पे है ना मेरे हस्बैंड, तो वो भी सुपर बिजी रहते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड एक मिशन के लिए गए हैं। ओ, सुपर इम्पोर्टेंट मिशन। कहाँ चल रहा है ये सुपर इम्पोर्टेंट मिशन? अरे अर्जुन, अभी तुम्हें कहा मैंने, मिशन है, कॉन्फिडेंशियल है। तुम नहीं बता सकते अपने मिशन के बारे में, वैसे मैं भी नहीं बता सकती आदि के मिशन के बारे में, बट आई होप उसका मिशन जल्दी खत्म हो जाए। जाओ काम कर लो। सी यू मैम। मेरा अपने काम पे पूरा ध्यान है काशु, और जल्दी मैं तुम्हें बता दूंगा कि आदित्य एग्जैक्टली है कहाँ, और तब तुम मानोगी कि वो तुम्हारे लायक है ही नहीं, तुम्हारे लिए बना ही नहीं। पता नहीं आदि के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए थी उसे, पूछ भी किससे रहा है? मुझे तो खुद आदि के बारे में कुछ नहीं पता। ये आदि को हो क्या गया है? उसने आज तक पहले कभी ऐसा नहीं किया है कि मुझे फोन ना करे, मैसेज ना करे, अपनी अपडेट्स ना दे। मैम, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? वो मैम, आप यहाँ थी नहीं और आपका फोन भी नहीं लग रहा था। ओके ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है? मैम, पुलिस टीम से मुझे कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि एक सेफ प्लेस पर ब्लास्ट हुआ है। What? सेफ प्लेस पे ब्लास्ट हुआ है? तो तुम एक काम करो, फौरन पूरी टीम को मेरे पास भेजो, अभी। जी मैम। मुझे अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक सेफ प्लेस पे ब्लास्ट हुआ है और हमें अभी के अभी वहां निकलना है। ओके ओके मैम, लेट्स गो। जय हिंद। जय हिंद। इंस्पेक्टर, घर के अंदर कोई था क्या? यहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिला, और वैसे भी ये सेफ हाउस सिविल ऑफिसर के लिए है, और हमने आपको यहाँ पर इसके लिए बुलाया कि हमें पता चल सके कि यहाँ पर ये सेफ हाउस किसी को अलॉट किया था या नहीं। I'm so sorry officer, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अपने ऑफिस में फोन करवा के पता करवाती हूँ। जय, एक बार ऑफिस में फोन करके पूछो कि ये सेफ हाउस किसे अलॉट किया गया। जी मैम। यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है ना, तो आपको उस ब्लास्ट की वजह पता चली? सिलेंडर की वजह से ये ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर फटने की वजह से? जी, सिलेंडर फटने की वजह से। मैम, ये घर किसी को भी अलॉट नहीं किया गया था। बताइए, जब ये घर किसी को अलॉट ही नहीं किया गया था, कोई था ही नहीं यहाँ पर, तो सिलेंडर ब्लास्ट कैसे हो सकता है? How is that possible? कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे। अर्जुन सही कह रहा है, ये घर जब किसी को अलॉट ही नहीं हुआ तो सिलेंडर फटने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब कोई तो था यहाँ जो सिलेंडर यूज कर रहा था, लेकिन कौन कौन रह रहा था इस घर में? ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज तो इसी रूम में से आ रही है। कौन हो सकता है अंदर?